पश्चिमी इलाके में मिलेगा खेल को बढ़ावा। नमस्कार। शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉकी स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया नगर निगम ने एक बार फिर से शुरू की है। हालांकि पिछले 7 साल के दौरान नगर निगम 3 बार स्टेडियम निर्माण के लिए प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी के कारण काम अटक गया। हॉकी संघ के सचिव सेथिल राजकुमार कहते हैं कि अगर निगम हॉकी मैदान और स्टेडियम का निर्माण करने में सफल रहता है तो इसमें न केवल तमिलनाडु के पश्चिम इलाके में तो इसमें ना सिर्फ बल्कि राज्य के पश्चिम इलाके में हॉकी को बढ़ावा मिलेगा। खेलने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से कई प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम को मैदान के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले बार शौक को तैयार करने के और बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया गोद अवधि पार था और टर्फ का भी उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार खरीदा गया सिंथेटिक टर्फ अब भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है और इस निगम को मैदान के लिए नया टर्फ खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार संघ निगम को सहयोग देने के लिए तैयार था, लेकिन इस काम से जुड़े अधिकारियों ने कई रुचि नहीं दिखाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।